बड़ा क्रेन लगभग 100 फीट ऊंचाई है इसकी, ये देखिए। और उसके बगल ये बड़ा वाला क्रेन लगाया गया जहाँ पर हनुमान जी का झंडा फहरा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है आप देख पा रहे हो, ये प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा लमसम 250 फीट ये इसका लेंथ रहेगा। और जैसे सेकेंड फ्लोर पर हम आते हैं तो मल्टी स्पेशलिस्ट यहाँ पर कैंटीन का अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, और यहाँ पर एल्युमिनियम के जो वर्क है उनको डेवलप किया जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का अपडेट है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का व्यू दिखाया जाए और अपडेट दिया जाए। तो आज हम आ गए हैं इस कड़ी में आपको अपडेट देने के लिए। कहते हैं कि सांस्कृतिक और आधुनिकता का अनोखा मेल रहेगा हमारा ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, तो उसमें जो जितने भी राम भक्त दर्शन करने आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। तो आज हम इसका अपडेट देने वाले हैं कि ये वर्क कितना ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा डिटेल देना चाहेंगे कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में क्या क्या खासियत है। चलिए आपको बताते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है वो 3 चरण में बनाया जा रहा है। तो पहला चरण जो है आप सामने देख पा रहे होगे, हमारा ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार है, जो कि बहुत से सुख सुविधाओं से लैस है। और दोस्तों इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो 240 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। और जो पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है ये 3 मंजिला है, और इसमें आपको राम मंदिर की छवि भी देखने को मिलेगी प्रभु श्री राम की। और ये सेकंड मंजिला जो बनाया जा रहा है इसको भी 3 मंजिला बनाने का प्रोग्राम है। और बीच में जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है वो दोनों मंजिलों को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसका अपडेट देंगे साथ ही साथ ये जो बगल जो प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो कि 5 प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में, और उस प्लेटफॉर्म का कितना कार्य हो गया है उसको भी आपको दिखाना चाहेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हमारे रेलवे स्टेशन का बाहरी जो हिस्सा है मतलब शाही मुकुट के रूप में बनाया गया है, जो कि हमारे प्रभु श्री राम का प्रतीकात्मक रूप आपको देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर भी हो सकता है कि शाही मुकुट बनाया जाए। देखिए नई बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था फर्स्ट फेस, वो तो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और अंदर जो भी मतलब हाई क्वालिटी के कार हैं वो अभी चल रहे हैं। और बात करी जाए ये सेकंड फेस की, तो यहाँ पर जो सेकंड बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसके मतलब बेसिकली वर्क हो रहा है, जैसे बीम वगैरह जो नीचे पड़ते हैं ना वो सब का कार्य अभी चल रहा है, जो कि प्रगति पर है। और दोस्तों अभी जो ट्रेनें चल रही हैं, जो अमृत भारत एक्सप्रेस और उसके बाद जो वंदे भारत चली थी वो अभी अयोध्या कैंट तक चल रही है, लेकिन 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अयोध्या जंक्शन, यहाँ तक ट्रेनें आएंगी। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी ट्रेनों को संचालित कर दिया जाएगा आगे चल करके। और इधर देखिए ये जो डेवलप किया जा रहा है मतलब 4-5 जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं उसका बेसिकली वर्क अभी चल रहा है रेलवे स्टेशन का। इधर 3-4 उसके बाद 5-6-7-8 मतलब वहाँ तक जाएगा, और यहाँ से ले करके 140 मीटर तक आगे तक इसकी लेंथ है, वहाँ पर इसका सेकंड जो फेस है ये वाला बिल्डिंग का वो आगे चल करके बनाया जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भव्य लगेगा। और आने वाले मतलब 1.5 सालों तक इसका वर्क ऐसे ही चलता रहेगा। और ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसका भी कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी कार हो रहे हैं उसका अपडेट आप ले सकते हैं। और वैसे आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं अभी ऊपर चलूँ, ऊपर भी आपको अपडेट दूँ कि किस तरीके से वर्क चल रहा है, लेकिन ऊपर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि लोहे के सामान ऊपर जो है सेट किए जा रहे हैं, तो उसमें जाना अलाउ नहीं है। चलिए आगे दिखाते हैं आगे कितना वर्क चल रहा है। भाई ये देखो, इधर ध्यान दो, कितना बड़ा क्रेन है ये देखिए, बहुत बड़ा क्रेन, लगभग 100 फीट ऊंचाई है इसकी ये देखिए। और उसके बगल ये बड़ा वाला क्रेन लगाया गया जहाँ पर हनुमान जी का झंडा फहरा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है आप देख पा रहे हो, ये प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा लमसम 250 फीट ये इसका लेंथ रहेगा, जो कि बनाया जा रहा है। और इसका जो चौड़ाई रहेगा वो लगभग 70 से 75 फीट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ये मंजिला नंबर 1 और मंजिला नंबर 2 को आगे चल करके कनेक्ट करने का काम करेगा, प्लस
यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ रहेंगे है ना यात्रियों के लिए, उसको भी डेवलप किया जाएगा और संचालित होने के लिए, मतलब लोग इस मंजिले से उस मंजिले पे आने के लिए उनको इसका सहारा लेना पड़ेगा आगे चल कर के। और यहाँ पर देख सकते हैं मशीनें, हमको लगता है यहाँ पर 24 आवर कार्य चलता है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मंजिला, फर्स्ट मंजिला बना है उसका जो लुक है किस तरीके से देखने को मिलता है। ये आप देख पाओगे बड़े भव्य तरीके से ये देखने को मिलता है भाई, ये देखो गजब का बना दिया गया है। और मुझे समझ में नहीं आता ये जो बिम बनाया गया नीचे ये किस लिए बनाया गया, इसका क्या कारण है, क्योंकि ये जो है ना इस जो बिल्डिंग बना है इसकी शोभा को थोड़ा ख़राब करता है, पता नहीं किस लिए बनाया गया है। हो सकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं आगे चल करके इधर भी बनाए जाए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसी पे टोटली देखिए रुका हुआ है, वहाँ पर देखिए स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ है पंच करने के लिए। और इधर भी देखिए प्लेटफॉर्म का कार्य ऊपर चल ही रहा है। और आगे चलने के बाद मतलब ये जो एरिया है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये सीधा गाज़ीपुर को जाता है ना, गाज़ीपुर, गोरखपुर और तमाम प्रकार के जैसे वाराणसी वगैरह, ये इधर रूट है। और ये रूट आपको देखने को मिलेगा लखनऊ, कानपुर, न्यू दिल्ली वगैरह इधर से जाता है। और यहाँ से अयोध्या कैंट की जो दूरी है वो लगभग आपको देखने को मिलेगा 4.5 से 5 किलोमीटर उसकी दूरी यहाँ से देखने को मिलेगी। और अभी तो कुछ ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है वर्क, इस कारण से असुविधा ना हो यात्रियों को, इसलिए यहाँ पर अभी सारी ट्रेनें नहीं आ रही हैं। सारी ट्रेनें जो है अयोध्या कैंट से ही आपको अभी मिलेगी और आप वहाँ पे जाकर के पिकअप भी कर सकते हो अयोध्या कैंट से। तो अभी तो कुछ ट्रेनों को यहाँ पर स्थगित किया गया है। और आगे भाई जैसे हम पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे, ये देखो प्लेटफॉर्म के नीचे से ये जो वायर गया है, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चलती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस बचा है भाई लगभग 2.5 से 3 फीट बचा हुआ है। ये देख सकते हो किस तरीके से इसको बनाया गया। और आगे चलने के बाद हम आपको दिखाएंगे, मतलब यहाँ से आने के बाद लोग जब प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे तो वो जो है उनको उतरने के लिए यहाँ पर एक्सीलरेटर मतलब इलेक्ट्रिक जो स्टेयर होते हैं उनका भी यहाँ पर कार चलेगा आगे चल करके। और कुछ इलेक्ट्रिक्स स्टेयर्स वहाँ पर बन गए, उनको भी मैं आगे चल करके दिखाऊंगा। और कुछ इलेक्ट्रिक स्टेयर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी नीचे क्या हो रहा है, नीचे जो टाइल्स लगते हैं उनको लगाने का कार्य चल रहा है, जो कि बड़ी मेहनत से लोग कर रहे हैं कार्य, मतलब पूरा राममय है, जितने भी कार्य कर रहे हैं अयोध्या में सबको कार्य करके बड़ा अच्छा लग रहा है। उससे पहले भाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो बड़ा सा क्रेन देख रहे हो ऊपर, आप देखोगे तो वहाँ पर बजरंग बली का झंडा लहरा रहा है, मतलब हनुमान जी के सानिध्य में सारा कार्य चल रहा है और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। इधर रेलवे ट्रैक को बनाया जाएगा, जैसे कि 5 रेलवे ट्रैक मतलब 5 प्लेटफॉर्म बनने हैं, उसमें से कुछ इधर भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ के हम इंजीनियर से बात करेंगे और आपको सटीक जानकारियाँ देना चाहेंगे, तो ऐसे ही बने रहें हमारे इस ब्लॉग में। दोस्तों अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जो सेकेंड पार्ट चल रहा है वो इन्हीं के सानिध्य में चल रहा है। ये फर्स्ट इंजीनियर है, मतलब सीनियर इंजीनियर है, इनसे हम बात करते हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन आखिर कब डेवलप हो जाएगा और कब से संचालित हो जाएंगी सारी ट्रेनें, और ये हमारे राम भक्त के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिलेंदर मिश्रा है। सिलेंदर मिश्रा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसको कवर कर रहे हैं, बार बार हमारे लोगों के बीच में खबरें पहुँचा रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि कब तक हो जाएगा चालू, ये ट्रेनें तो हमारी चालू हो जाएंगी 20 तारीख से लोगों के आने जाने के लिए, और तैयार होने में लगेगा अभी 5 से 6 महीने का। लेकिन अभी जो भक्तगढ़ आ रहे हैं उनके लिए तो पूरा व्यवस्था हो गई है, मतलब ये जो दो प्लेटफॉर्म है हाँ ये सब चालू हो जाएंगे हमारे। तो ये जो सेकंड फेज में कार चल रहा है सर, ये एकदम फर्स्ट फेज से सब मंजिला बिल्कुल सेम सेम सेम, उसमें भी 3 मंजिलें रहेंगी? 3 मंजिला रहेगा उसके अंदर। और इसमें मतलब क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी? सारी सारी रहेंगी उसमें, खाने पीने का, रहने का, रुकने का है ना, और वेटिंग रूम रहेंगे सब पूरे अपना है ना, और बैठने की व्यवस्था उचित होगी सारी, बाथरूम टॉयलेट अच्छे होंगे सारे, सारी व्यवस्था रहेगी। और टोटल कितने प्लेटफॉर्म यहाँ बनाए? यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म बनेंगे। 8 प्लेटफॉर्म और मतलब आगे भी जमीन और उसमें लगेगा 2 से 3 साल लगेगा। लेकिन राम भक्तों के लिए 22 जनवरी के लिए आने की सुविधा चालू हो जाएगी। और जैसे उसमें एसीलेटर वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो चालू होगा, चालू हो रहा है वो भी 22 तारीख से पहले। हाँ 22 तारीख पहले चालू हो रहा है। अच्छा।
और क्या क्या सुविधाएं होने वाली है? और लिफ्ट हैं, दो लिफ्ट हैं हमारी चालू हो रही हैं, जिले हैं वहाँ पर चलने आने के लिए। बुजुर्गों को बड़ा ध्यान रखा गया है, जिनको उनको दिक्कत ना हो आने जाने की, रैंप वगैरह बनाए हुए हैं सारा जगह। और बाकी ये सेकंड फेज का जो वर्क चल रहा है इसमें दो साल लगे, दो से ढाई साल लगेगा। चलिए, आपको यहाँ काम करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर राम की नगरी में आए। मैं तो दिल्ली में काम कर रहा था, सोच ही नहीं था कभी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। अच्छा। लेकिन चलो भगवान जी ने बुलाया। 7-8 महीने से आप यहाँ पे? हाँ, टाइम हो गया। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आप लोगों से मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे सपोर्टिव। अच्छा, जो हमारे राम भक्त ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए तो संदेश हम यही देंगे कि भाई आप आएँ यहाँ पर और दर्शन करें, यहाँ के इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं बाहर से, है ना। 21 किलो का घंटा आ रहा है, 11,000 किलो की भवन सामग्री हमारे यहाँ से कन्नौज से आ रही है, है ना। और 108 फीट लंबी अहमदाबाद से अगरबत्ती आई, उसको जरूर देखें। और मेन है कि राम मंदिर की जो राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इतने सालों बाद, आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हो कि आज उनको जगह मिल रही है। तो आगे भी जो है और लोगों को भी चाहते हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई भी मतलब जो है निगेटिव बातें भी जो लोग करने वाले होंगे यहाँ पर, तो उनको ध्यान ना दें। हाँ, आइए प्रभु श्री राम के दर्शन करिए। कहते हैं कि चलत विमान कोल्हा हल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में है ना, 22 तारीख से पहले यहाँ पर कोलाहल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी विमान संचालित होने वाली हैं उनकी भी आप लुत्फ़ उठाइए। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और कंस्ट्रक्शन का भी वर्क आपको दिखाते हैं। और जैसे पहले मंजिले के पास आप पहुँचोगे तो एक एक्सेलरेटर जो है वहाँ पर बनाया गया, डेवलप चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जैसे यात्रीगण उस पर चढ़ने के बाद इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर इधर आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स इधर, मतलब जो एक्सेलरेटर होता है उसको भी इधर डेवलप किया जा रहा है। मैं आगे चल करके आपको दिखाता हूँ। प्लस आपको स्टेयर्स भी देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। उसके बगल जो है एक्सेलरेटर भी आपको देखने का, उधर जो है प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का वर्क चल रहा है। और इधर से मुख्य गेट होता है, जो पुराना हमारा अयोध्या धाम जंक्शन है उसका मुख्य द्वार यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसका मुख्य मार्ग सामने से है, उसको भी चल करके आपको दिखाते हैं वर्क हुआ है और क्या कार्य चल रहा है। ये गेट नंबर 8 है। अंदर चल करके हम लिफ्ट लेते हैं, लिफ्ट लेने के बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर जो भी कार चल रहा है उसको दिखाते हैं। बने रहे कंटिन्यूस है ब्लॉग में। और मतलब एक बार देखिए इस पर 24% मतलब आ सकते हैं, और वेट जो है 1632 kg है मैक्सिमम लोड, ये जो लिफ्ट है वो लोड ले सकता है। आप लोग कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम लोग ये ब्लॉग बनाते हैं। और जैसे सेकंड फ्लोर पर हम आते हैं तो मल्टी स्पेशलिस्ट यहाँ पर कैंटीन का अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, और यहाँ पर एल्युमिनियम के जो वर्क है उनको डेवलप किया जा रहा है, और आने वाले 22 तारीख तक हो सकता है इसको संचालित कर दिया जाए सभी यात्रियों के लिए। और यहाँ पर देखिए एसी के जितने भी वर्क होते हैं यहाँ पर किए जा रहे हैं धीरे धीरे। और चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं अपना जो शाही मुकुट बना हुआ है प्रभु श्री राम का, उसका आपको व्यू दिखाते हैं। फर्स्ट टाइम आपको किसी ने ऐसा व्यू दिखाया होगा, ये आप चेक करो, ये किस तरीके से आपको यहाँ से मतलब ये रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन का जो व्यू है वो देखने को मिल रहा है। ऊपर देखिए वो शाही मुकुट है जो बनाया गया है प्रभु श्री राम का। आगे चलिए, आगे जो भी वर्क है वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से वर्क चल रहा है। जय श्री राम भाई। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा कार्य कर रहे हो यहाँ पर? चिमनी का कार। कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये? ये तो करीबन 20 तारीख तक ये रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा। और जो यहाँ पर सुविधाएँ हैं, जो रेस्टोरेंट ये बन रहा है, ये संचालित हो जाएगा? अच्छा लग रहा है काम करके ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है। अभी पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था वो पार्ट नहीं बना था, लेकिन आज देखने को मिलेगा वो पार्ट भी बन गया है। और जो एक्सेलरेटर है यहाँ पर कार चल रहा है उसका, और यहाँ पर तमाम प्रकार के वेल्डिंग के वर्क भी चल रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको दिखाते हैं जो भी वर्क हो रहा है। ये देखिए, धूम्रपान निषेध, थूकना मना है, ज्वलनशील पदार्थ निषेध है। यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस फूड सर्विस अयोध्या जंक्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भी थालियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, मतलब IRCT हॉस्पिटलिटीज हब अयोध्या जंक्शन एक्सप्रेस फूड सर्विसेज, मतलब IRCT से जा करके आप बुक भी कर सकते हो उसको।
बाहर से देखिए हमारा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। और अभी मैं आपको वहाँ लेके गया था, जो मैंने आपको मुकुट दिखाया किस तरीके से वो देखने में लगता है, और ये बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह लगता है। अभी पिछले ब्लॉग में मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था इसका, और आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ प्लेटफार्मों का, जो रिडेवलपमेंट चल रहा है, प्लस जो सेकंड फेज पे जो बिल्डिंग बन रही है उसका अपडेट आपको दिया। तो कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। और जस्ट आप जैसे इधर से निकलोगे तो इसके सामने से ही ये रोड गया हुआ है, ये इसके सामने से आप जाके सीधा जन्मभूमि पथ जा सकते हो लगभग 300 मीटर। और बात करी जाए सेकंड रोड की, तो आगे चलने के बाद एक रोड और डेवलप किया गया है जो कि जाकर के वशिष्ठ चौराहा पे मिल जाता है। वशिष्ठ चौराहा की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको अपडेट दिया अपने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का, कि किस तरीके से उसका रिडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है। बहुत दोस्तों का बहुत डिमांड था कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का अपडेट दिया जाए। तो आज भाई आज तारीख है 23 जनवरी, और 23 जनवरी को मैंने एक्सप्लोर किया आपको अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन को। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आप लोगों ने इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देखा प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दिए होंगे। और अगला वीडियो आप कहाँ का देखने चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको सादर बधाई, जय श्री राम।